लगता है अमृत भाई, थोड़ा बताइए अपने बारे में। बहुत ही प्यारे आप इंसान लग रहे हैं मुझे। थैंक यू जी। बढ़िया बढ़िया। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं कैलगरी कनाडा में से हूँ। ब्रदर जियाल अमृत इधर ही होता था पहले, तो अभी गया दूसरे प्रोविंस मूव होके। हम और अमृत भाई जो बात तुम कर रहे हो बहुत ही दोस्त सही बात कर रहे हो, मतलब मुझे बहुत ही मजा आया सुन के। एंड अच्छा, मेरी रिएक्शन आ गई है, मुझे पता नहीं था। बड़ी ट्राई नहीं करते नहीं ना आने की। और बिल्कुल बिल्कुल भी कोशिश ना करो, तुम्हारी आवाज में आ ही जाता है। तो से जितने दिन भी बाहर रह लो तो ना तो अड्डी आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती है, और मेरे को नहीं समझ में आती तुसी एसेंट विद पंजाबी बोल दे हो, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। बट नहीं अमृत, बट गुड टू सी यू अमृत, और बहुत अच्छे लग रहे हो आप। और अभी सर कैसी लाइफ है वहां पर, थोड़ा बताएंगे थोड़ा? हॉबीज वैसे यहाँ पे नजदीक, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं, वहां चले जाते हैं स्की वगैरह अच्छा, मुझे करने लगा के लिए। माउंटेन तोड़ रहे हो आप, मांझी बन रहे हो। खैर मैं रास्ता निकालूंगा नीचे से, बीच में से रास्ता निकालूंगा बाकी यहाँ पे अपना। 7-8 महीने ठंड पड़ती है, हाँ बर्फ साफ करने वाली हॉबी होगी बेसिकली वो। ओके ओके ओके, बट सफेद ही होता आर है यू आसपास। हैप्पी? हाँ भाई, हैप्पी है यहाँ पे। एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की थोड़ी सी इज्जत ज्यादा है जैसा मुझे सुनने को मिल रहा है, कंपेयर मतलब आपको टू मिली नहीं इंडिया। है, अब सुना है आपने। हाँ सुना है। जी, ये स्टार्टअप है आपका, यस सर। अभी कैसे चल रहा है काम? को फाउंडर हो तो मतलब कितने को फाउंडर हैं इसके, कितने लोगों ने गड्ढा किया जमीन में? दो ही बंदों ने किया है सॉरी, तो दो बंदों ने किया है सर बस। आप एक एमडी होगे, वो आपका चेयरमैन होगा, बस ये दो लोग ही बैठे होंगे बस आप लोग। और फिर वही कहता होगा, तू मेरे लिए पानी लिया भाई, भाई नहीं है, तू मेरे लिए पानी लिया भाई नहीं है, ऐसा। सिडन अरु, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप काफी दोनों इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आप काफी दोनों, प्लीज थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। हम लोग ऐसे इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट, यहीं से बस बस चेन्नई बस में बस काम बस बस करते हैं। इंजीनियर इंजीनियर काफी, बस बस करिए नो आप। नो 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 बाकी का निखिल एंड प्रीत, आई गेस हस्बैंड वाइफ वाइफ है मुझे जहां तक लग रहा है। हाँ जी, और कितना टाइम हो गया शादी को? मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम हो गया है। 5 साल हो गए। हाँ 5 साल, वो दूरियां दिख रही है आपकी, देखो अभी वो सिद्धन अरु देखो बिल्कुल आराम से, वो थोड़ा फीलिंग आ गई है मुझे देख के। बट निखिल जी कहाँ रहते हैं आप, मतलब किधर क्या काम करते हैं, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? वो तो है जनकपुरी दिल्ली से। हाँ बस डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सवारी आ गई है, चलो ये बढ़िया है। प्रीत जी आप भी, प्रीत जी आप हाउस वाइफ हैं या जॉब करते हैं आप भी? मैं जॉब करती हूँ, किस चीज में? मैं ट्रकिंग कंपनी में जॉब कर रही हूँ अभी। हम ट्रकिंग लोग में? यूएस, हाँ यूएस में है, तो यूएस में ट्रकिंग का बहुत बिजनेस है, तो उसमें हूँ। हाँ तो ड्राइवर तो यहीं से आते हैं, इंडिया से जाते हैं। पंजाबी सो स्टीरियोटाइप। हाँ मैं कुछ, कल्पना जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, अच्छी हैं, बहुत बहुत ही अच्छी। बढ़िया, बहुत अच्छी, क्या बात है। और बताइए, और वर्ड जोड़ते जाइए इसमें, बताइए और 4-5 और। नहीं, आप बोलिए, बस आपको सुनने में ओके अच्छा कल्पना लग जी, रहा है। अरे कल्पना जी क्या करती, थोड़ा बताइए अपने बारे में, हम जान पाए मैं फैशन इससे। डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइन, ओ यार ये होता है प्रोफेशन। तो वो जो जो आपने किताबें भरी हैं डिजाइन बना के, वो किताबों तक सीमित है या वो निकल आ पाए हैं कपड़े वहां से, निकल पाए हैं पेपर से? अभी तक तो 1 साल से घर पे ही हूँ, तो कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा डिजाइन बनाए कि जितना जूम की विंडो में इंसान दिखता है उतना टॉप हो लड़कों का, और बाकी सारा नेवला वाला पार्ट खाली हो। खाली है सर। मैं करूँ ही, डिजाइन आता है ना क्या? हाँ मैं पहलू हूँ, मुझे जैसे अगर मैं इतना दिख रहा हूं ना तो यहां तक कपड़े होने चाहिए, इसके नीचे आदमी ठंडा रहे। सेठ भाई गलत बोल रहा हूँ? तो मेरी स्किन को अब कपड़े सूट नहीं कर रहे, 1-1.5 साल से कम पहने तो आदत नहीं रह गई है। मुझे तो लगता है कि अगर 1-2 साल लॉकडाउन चल गया तो हम सारे पत्ते पहन के घूमेंगे मेट्रो में। हाँ उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर लिखा होगा, नीचे पीछे लिखा होगा ऐसे, जॉकी और नथिंग। जैसे मेरे पास ये, मैं कोई भी लड़का देख रहा हूँ वैसे तो सारे ही बुरे लग रहे हैं, बट मैं कोई भी बुरा क्या ढूंढूंगा मुझे। अगर विशाल विशाल विष्णु नायर जी है, मैं आपको उनको स्क्रीन में लेता हूँ, आप इनके इनको कोई ड्रेसिंग ट्रिप बताइए कि जिससे ये जितने अच्छे लग रहे हैं और अच्छे लगें। ये
ये कौन सा कलर ज्यादा पहने या कपड़े ना पहने या निकले ना घर से बाहर, क्या बताइए आप, बताइए आप बताइए। सर 2 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ विष्णु जी बट ये तो कर सकती हैं कुछ। करके फायदा क्या है? करण जी की ग्रूमिंग करा देते हैं, करण जी की भी ग्रूमिंग बहुत जरूरत है, करण जी को तो बहुत जरूरत है। कोई आइडिया इसके बारे में? अरे कांगे माय डिजाइनर गायब, मुझे लगता है कि डिजाइनर को पहले डिजाइनिंग से बनाने से पहले एक अच्छा इंटरनेट की जरूरत है। कोई बात नहीं, जब अच्छा किसी का काम करने की मदद मांगने की बारी आती है तो अक्सर नेट खराब रहता लोगों का। खराब करना पड़ता है। हाँ आप मारोगे नहीं, करना तो अपने अपने वार्डरोब के सारे कपड़ों में आग लगानी शुरू कर दी थी कि बस अब आज चेंज हो जाएगा वार्डरोब। सनिका जी क्या करती हैं आप, थोड़ा बताइए। सानिका, ओके सानिका जी क्या करती हैं आप, थोड़ा बताइए अपने बारे में प्लीज। मैं लॉयलिस्ट स्पेशलिस्ट हूं एक कंपनी। सॉरी सॉरी सॉरी, लॉयलिस्ट स्पेशलिस्ट हूं। लॉयल ये लॉ, लॉयलिस्ट स्पेशलिस्ट, इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन, द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। ओके तो क्या रहता है इसका मेन पर्पस? हां तो अगर कस्टमर्स कॉल करें कि हमें कैंसिल करनी है सर्विस, तो हमको उनको ऑफर्स देने होते हैं कि नहीं हम ऐसे ऑफर्स देंगे तो आप हमारे पास। सनिका सॉरी टू इंटरप्ट, इसको कॉल सेंटर नहीं कहते? डिपार्टमेंट तो लग गया ना। वो सुना दर्शक आपने, मैं सुषमा बात कर रही हूँ, मैं वोडाफोन से बात कर रही हूँ, सुषमा बात कर रही हूँ, आपके लिए मैं प्लान लेके आई हूँ, ये प्लान बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान लेके आई हूँ, आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, आपका टॉक टाइम पता नहीं होगा। सॉरी हम लोगों को कॉल नहीं करते, वो हमें कॉल करते हैं। वो तो अब बना रहे हो आप, आउटबाउंड और इनबाउंड वाली बात है। तो ये वो वाले बंदे हैं कि कस्टमर ने काटना है, इन्होंने काटने नहीं देना। प्लान की बात कर रहा हूं मैं यार। सनिका जी मैं बता के कर रहा, ऐसे अर्बन जॉब को, जो नॉर्मल जॉब को जो आपने इतना ग्लोरीफाई करके डिफाइन किया था, रिटेंशन। लेकिन यहाँ पे रिटेंशन ही बोलते हैं ना, तो रिटेंशन ही बोलूंगी। ये तो मन रखने वाली बात है, मन रखने वाली बात है, मतलब वो ये बात है। ऐसे नहीं, वो इंडिया वाले लोग नहीं होते ना, जो जो ऐसे गुस्से वाले होते हैं, यहाँ पे लोग अच्छे होते हैं। या नहीं, मेरे पास भी मेरा एक बंदा था, वो कहता कि आई जस्ट टेक केयर ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट। वो चौकीदार था वो एटीएम का। नहीं नहीं आप ठीक है। ओ माय गॉड, अरे क्या ओ जी, तो अगर चंकी पांडे के बाद हमने कभी ये कलर देखा किसी के ऊपर, ओ मैन, ये तो करण ने चैलेंज लिया, कहता भाई कि अगर मुझे वो लड़की फैशन डिजाइनर नहीं मेरा मेकओवर कर रही, मैं खुद करूंगा। पर करण सच्ची बताओ, देखो एक मिनट करण मुझे सच्ची बताओ, ये जो कोट का कलर है मतलब ये डिसाइड कैसे किया, मुझे ये जानना है बस अभी। और डिसाइड क्यों किया? नहीं नहीं, क्यों करने का तो हमें पता है कि करण की पर्सनालिटी ऐसी ही है। करण ये बताइए कि आपने जो कलर चुना, तो आपको दुकानदार ने क्या बोला कि बिक नहीं रहा ये, आप पहन लो, आप पे शूट करेगा? प्लीज बताइए। मेरे को एक्चुअली राशि में लिखा है कि आई शुड वेयर ब्लू क्लोथ्स, तो इसलिए फिर ब्लू में एक शेड अच्छा लगा, ये ले लिया।
ब्लू तो नहीं पर सच्ची बताऊं ये ऐसा कलर लग रहा है जैसे जिसके कपड़ों में ना चार पांच बूंदे एक्स्ट्रा उजाला डल जाता ना उजाला उसके कपड़े ऐसे होते हैं बचपन में स्कूल यूनिफॉर्म सफेद हुआ करता था यूनिफॉर्म उजाला में जाने के बाद बट कोई बात नहीं करण गुड टू सी यू प्लीज प्लीज बताइए जल्द बताइए प्लीज कहां से देख रहे हैं कनाडा में हो कनाडा से हो हाँ जी कनाडा से तो यहाँ पर हमारे पास कुछ है जो यूएस में ट्रक वाले ड्राइवर ढूंढ रही हैं कनाडा में कहाँ से कनाडा में कहाँ से हम बतवाएंगे तुम्हारे को ये मिलने नहीं आएगा तुमसे ये वो आपने देखे अरु वो देखे आपने जो कुछ लोग होते हैं रिक्शा से बात करते हैं भैया कहाँ से हो आप कहाँ से यूपी से आप अच्छा कौन सा गांव फिर हम उसको बोलता कि आप कहाँ से हो नहीं मेरा दोस्त है यूपी से मैं नहीं हूँ मेरा दोस्त यूपी से ये लगता नहीं ऐसे माहौल में अमरीजी जैसे लोग मिल जाए जिहाल जैसे दोस्त मिल जाए और सनी का जैसी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव मिल जाए जो अपने आपको रिटेंशन प्लानर बनाए सानिका जी मुझे कोई भी कॉल सेंटर की लड़की फोन करे मैं कभी भी उसके नाम पे इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा सिर्फ आपके पास कोई स्पीकर पे सुन रहा है हम्बल रिक्वेस्ट अगर आप म्यूट कर दे तो अब ये तीन जॉब है एक दिन के अंदर मैं कर रहा हूँ चुप अंबल के बाद ये निकला ओ भाई अंबल चले गए भाई एक बार दोबारा ठीक है चलो एक बार दोबारा पहले अरे आगे बढ़ते हैं रुको जाओ चलो ठीक है अरे पर उसके बाद आवाज आई नहीं थी आवाज आई नहीं थी उसके बाद हाँ स्वैग तो है मेरा स्वैग तो है मेरा या चश्मा मैं दूसरा जो रुक जाओ अच्छा अरे आजकल वो चश्मों का अरे वो तो रेंज चल रही है मेरी अलग अलग अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नए नए वाले रुक जाओ अभी तुम रुक जाओ मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद अरे तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसका लॉकेट ले आया मैं लॉकेट चुरा लाया उसका लॉकेट की लड़की तुम्हें जिनको नहीं समझ में आया तुमने सिर्फ पेंटिंग सीन तक देखी है मूवी उसके बाद तुमने देखी नहीं मुझे मुझे पता है मूवी यस थैंक यू सो मच फॉर द मतलब जो भी आपने कहा है और इतना लाइफ इतना खराब चल रही है ना उसके लिए आपने थैंक यू सर थैंक यू रिंगेश भाई आपके बाल और आपकी दाढ़ी इतनी क्लीन शेव है कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या लग नहीं रही मुझे कोई गर्दन में आपके मफलर है सांप है क्या ये ये शर्ट का ही है शर्ट के ऊपर ही कुछ लगा हुआ है देख रहे हो आप आपकी जिंदगी में क्या लग चल रहा है हमारी शर्टों के ऊपर दाल लगी होती है अरहर की दाल हाँ रजत भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू बस अरे थैंक यू आपने जो अभी जो आपने हाथ से छैनी बनाई है ना आपने जो हाथ से छैनी बनाई है अभी आपने जो हमें बताया बस नहीं थैंक यू करण ब्रो थैंक यू मतलब सो नाइस ऑफ यू मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छी कॉमेडी करूं अभी सीख रहे हैं रिंकेश बोल रहा हूं तो हाँ। आपने शिद्दत जैसे कई बार आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो ना जैसे जैसे आप हाँ, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ बोल रहा हूँ मैं हाँ बताओ और इसे के बहुत आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छी है फ्रॉम योर जोक्स एंड क्राउड वर्क के थ्रू भी सारे हंस रहे हैं मेरी एक्शन पे एनीवेज थोड़ी स्माइलिंग दिख रही है मुझे वो हंसना चाहते हैं अभी भी हंस रहे हैं अभी भी हंस रहे हैं वो इसलिए हंस रहे हैं कि उनको पता है कि मैं भी बोलूंगा अब इसी लैंग्वेज में मैंने 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 ये कह रहा था कि आई डोंट नो कि आप ट्रैवल करते हैं ज्यादा कि नहीं पर अगर कभी मौका मिले कनाडा कैलगरी यूएस इधर आए आई थिंक आपको
बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा वो इंडियंस का. सो इट्स बी फन. अगर आपने कभी कैलगरी आना हो तो बताएं, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैं पक्का कनाडा आऊंगा. ठीक है, सही है. मैं आपको बता दूं, मेरे को बिल्कुल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया चाहिए. अब मैं पक्का बिल्कुल कोशिश करूंगा. मैं मुंबई मैं आएगा, मैं कनाडा जरूर आऊंगा. राहत आ रहा हूँ आपके पास. राहत चिंता ना करो, आप ऐसी उंगलियां गिन रहे हो, मैं समझ गया. बहुत देर से गिन रही है. मुझे राहत डिपर दे रही, डिपर कह रही पा 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 पा. मैं कह रहा हूँ आ रहा हूँ राहत, आ रहा हूँ. ओके राहत, ओके ओके. हाँ, मुझे डर था कि मैं अगर एक मिनट राहत को मैं एड्रेस नहीं करता ना अगर एक सेकंड, तो राहत ने ये करना था, ये करना था राहत ने ऐसे करना था. राहत ने ये सारे बहुत गलत एक्शन लग रहा है. जो अमरिन जी ने टी शर्ट पहनी है ना सीके वाली, आपको उसकी ओरिजिनल तो फुल फॉर्म पता होगी, पंजाबी वाली पता है? नहीं 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 जी, बता नहीं पता. अमरिन जी को पता है? नहीं जी, अभी करो रून मेरी सारी शर्ट, अभी मुझे डालने की इसके बाद फीलिंग नहीं आनी. दसो तुसी तुसी हाइप ना बनाओ. ठीक है चर्बी गला. ओह अच्छा, नाइस. पंजाब में ना कार्स के पीछे लिखा होता है सीके विद देयर ओरिजिनल लोगो, नीचे लिखा है चर्बी गला. ओह अच्छा, आई सी. हमारी गाड़ी के पीछे लिखा होता है गुरुजी की कृपा. इधर भी होता है पापाज गिफ्ट. पापाज एफडी तोड़ू. मामाज गहना ऑन मुथूट गोल्ड लोन. बट थैंक यू राहत. राहत यही सवाल था, बस यही था तुम्हारा. इतनी देर तक यही छुपा के बैठे थे आप. आपने 20 मिनट इस तरह से जो इशारे किए वो इसी चीज के लिए थे, बस ये बात थी आपकी. मिनट के लिए थे. आपको विश करना है कि आप हमेशा चढ़ती कला विच रहो, तुसी हमेशा चढ़ती कला विच रहो. ओके, मैं जरूर उसका मतलब लिखूंगा. मैं एक बार पेपर पे लिख दूं बोला क्या आपने, जो भी बोला मैं समझ तो नहीं आया मुझे, बट अच्छा लग रहा है. चढ़ती कला ऊपर ऊपर जाए बेसिकली. अच्छा चढ़ती कला. ओके ओके, बढ़ते रहो, खुश रहो. अरे थैंक यू. पूतो फलो नहाओ, ये फलो पूतो नहाओ फलो, दैट्स बेसिकली कवर. या नहीं नहीं, ये हमारी दादियां बोलती हैं. और सच्ची बताता हूँ, इंडियन मदर एक सबसे प्यारी मम्मी है. मैं आपको पता है कभी इंडियन मदर की एक खासियत कितनी है कि ना वो आपको ना एक कहानी 200 बार सुना चुकी है. हर बार उसी तरीके सुनाती है जैसे हमने सुनी नहीं है कभी. उतनी एनर्जी के साथ. और चक्कर क्या होता है, उसी एनर्जी उसी पॉजिटिव के साथ. पता है क्या हुआ मेरे साथ जिंदगी में? तुम आज, अरे मैं, अच्छा अच्छा दूसरी बात क्या है कि तुम्हारे पास कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन भी नहीं है. तुम क्या करते हो, तुम बादशाह बन के ना वो लाइन पूरी करते हो. हाँ हाँ, फिर बुआ जी ने फिर आपको, हाँ हाँ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ ये क्या. So by this I just end the show. Give a great round of applause for yourself. और